क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी दिनेश कार्तिक को एक बेहतरीन फिनिशर मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। दोस्तों आज के मुकाबले में भारत बनाम साउथ अफ्रीका के तीसरे T20 मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने वापस से साबित किया कि वो आने वाले समय में भारत की टीम में एज अ फिनिशर धमाका करने वाले हैं। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे T20I मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने ताबड़तोड़ 55 रनों की तूफानी पारी खेली जिसने भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई। दोस्तों इस मुकाबले में नंबर 7 पर आकर भी कोई इतनी तूफानी बल्लेबाजी कर सकता है कोई सोच भी नहीं सकता। दिनेश कार्तिक ने वाकई में आज काबिले तारीफ बल्लेबाजी की जिसके चलते भारतीय टीम को शानदार जीत मिली। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने तूफानी 55 रनों की धाकड़ पारी खेली, लेकिन इस मुकाबले में ट्विस्ट जब आया था तब किसी ने गौर नहीं किया। दोस्तों 13वें ओवर की 13वीं गेंद जैसे ही मार्को जेंसन ने फेंकी थी दिनेश कार्तिक, जब दिनेश कार्तिक 0 रन पर खेल रहे थे तब दिनेश कार्तिक ने सामने की तरफ खेलकर सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़े थे और उधर से केशव महाराज ने डायरेक्ट थ्रो कर दिया। दोस्तों दिनेश कार्तिक काफी दूर रह गए अपनी क्रीज से लेकिन ये थ्रो नहीं लग गया स्टंप्स पे, जैसे कि आप देख सकते हैं दिनेश काफी ज्यादा दूर थे लेकिन उतने में ही केशव महाराज का थ्रो मिस हो गया और दिनेश कार्तिक मात्र 0 रन पर आउट होने से बच गए। मार्को जेंसन का रिएक्शन आप देख सकते हैं। दोस्तों सही से केशव महाराज ने इस डायरेक्ट थ्रो को नहीं फेंका। दोस्तों इस एक गलती की बदौलत साउथ अफ्रीका को खून के आंसू रोने पड़े क्योंकि 0 रन पर दिनेश कार्तिक उस वक्त आउट हो सकते थे लेकिन उसके बाद अपने जीवन दान का जो इस्तेमाल किया दिनेश कार्तिक ने वो काबिले तारीफ थी। दोस्तों इस मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने ताबड़तोड़ 55 रनों की धाकड़ पारी के लिए सिर्फ और सिर्फ 27 गेंदों में, जिसमें से कार्तिक ने 2 छक्के लगाए और 9 चौके लगाए। जहां 0 रन पर जीवन दान मिला कार्तिक को, वहीं कार्तिक ने जीवन दान का फायदा उठाते 55 रन ठोक दिए और भारतीय टीम ने 82 रनों की तूफानी जीत हासिल की। दोस्तों आप सभी को बता दें अब ये सीरीज 2-2 से लेवल हो चुकी है। दोस्तों आप सभी को बता दें दिनेश कार्तिक को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन फिनिश दिनेश कार्तिक को भारतीय टीम के वर्ल्ड कप में जगह मिलनी चाहिए या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में 14 T20I मुकाबला भी समाप्त हो चुका है राजकोट के मैदान पर। दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय टीम ने मुकाबला 82 रनों से शानदार तरीके से जीत लिया। इस मुकाबले में 55 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले दिनेश कार्तिक को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। दोस्तों आप सभी को बता दें साउथ अफ्रीका को ऑल आउट करने के लिए आवेश खान का काफी बड़ा हाथ था लेकिन 13वें ओवर की 3री गेंद पर एक ऐसा हादसा हो गया जिसे देख स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक हैरान हो गए और मार्शल जेंसन के चारों गाने चित होकर रह गए। दोस्तों 13वें ओवर की 3री गेंद इस तरह से बाउंसर फेंकी थी आवेश खान ने, दोस्तों फ्लिक करने की चक्कर में गेंद को मिस कर बैठे और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गेंद लग गई सीधा कान के बाजू में मार्को जेंसन के इस तरीके से। दोस्तों जैसे ही गेंद उन्हें लगी तो वो लगभग बेहोश हो गए थे। दोस्तों पहले तो इस तरीके से बैठ गए मैदान पर, जैसे ही वो बैठ गए आवेश खान उनके पास आकर पूछने लगे कि आप ठीक तो हैं, लेकिन जैसे उनकी कंडीशन सीरियस होती जा रही थी वैसे ही फिजिशियन को बुलाने का इशारा किया अंपायर ने। दोस्तों आप सभी को बता दें सही से ठहर भी नहीं पा रहे थे मार्को जेंसन आवेश खान के इस खतरनाक बाउंसर पर। जैसे ही फिजिशियन आ गए मैदान पर तब पूरी भारतीय टीम ने जाकर मार्को जेंसन से उनका हाल पूछा। दोस्तों आप सभी को बता दें मार्को जेंसन के पास युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या और हर्षल पटेल तीनों आकर खड़े हो गए थे। सभी को डर लग रहा था इनकी हालत को देखकर। दोस्तों आप सभी को बता दें मार्को जेंसन अपने सिर को लेकर हाथ लगा रहे थे, उन्हें इतनी बुरी तरीके से चोट लगी थी लेकिन भारतीय टीम ने जिस हिसाब से अपनापन दिखाया साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के साथ वो काबिले तारीफ है। पूरी भारतीय टीम ने मार्को जेंसन का हाल पूछा बीच मैदान पर। दोस्तों भारतीय टीम ने सम्मान का काम काफी बेहतरीन तरीके से किया जिसे देख मार्को जेंसन भी काफी ज्यादा मैदान पर खुश नजर आए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ये T20 सीरीज जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दे जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में T20 श्रृंखला का 14 T20 मुकाबला शुरू हो चुका है। दोनों ही कप्तान आमने सामने आए राजकोट के मैदान पर टॉस के लिए। दोस्तों एक और बार साउथ अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीता और लगभग चौथी बार टॉस जीता और फिर से गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम और शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही। दोस्तों इस तरीके से पहली विकेट गिरी ऋतुराज गायकवाड़ की, सुलंगिनी गिरी की गेंद पर एज से बैठे ऋतुराज अपने बल्ले का और स्लिप में खड़े क्लासन ने इस तरीके से शानदार कैच लपक ली जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 5 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उनके बाद बड़ा झटका लगा यर के रूप में। दोस्तों इस तरीके से प्रीटियोस की गेंद पर सामने पाए गए श्रेयस अय्यर, अंपायर ने नॉट आउट दिया, साउथ अफ्रीका ने रिव्यू लिया और रिव्यू में अंपायर ने आउट दिया श्रेयस अय्यर को। 4 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते श्रेयस अय्यर जैसे बड़ा बल्लेबाज आउट हुआ। उनके बाद ईशान किशन अच्छी बल्लेबाजी कर आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें नॉर्थिया की इस गेंद पर एज से बैठे और पीछे खड़े क्विंटन डिकॉक ने जंप कर कैच लपक लिया और ईशान किशन आउट हुए। दोस्तों ईशान किशन 27 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट होकर रह गए। दोस्तों उनके बाद एक और बड़ा झटका लगा ऋषभ पंत के रूप में। दोस्तों पंत भी महाराज की इस घूमती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए, बल्ले का एज लेकर पीछे खड़े प्रिट्रियोस के हाथों में जाकर गिरी गेंद जिसके चलते कप्तान ऋषभ पंत 23 गेंदों का सामना करते 17 रन बनाकर खराब बल्लेबाजी कर आउट हुए। लेकिन मैच को बचाने का जिम्मा अब था हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक के ऊपर। लेकिन एक और बार जो काम आरसीबी के लिए किया करते थे दिनेश कार्तिक, वही काम उन्होंने टीम इंडिया के लिए किया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 27 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक लगाया दिनेश कार्तिक ने। दोस्तों उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे हार्दिक पांड्या लेकिन अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए। दोस्तों लुंगी निगिड़ी की एक गेंद थी, ऑफ साइड स्टंप पर गेंद रखी और पीछे खड़े शमसी ने इस तरीके से कैच पकड़ ली लेकिन एक शानदार
शानदार पारी खेले। 46 रनों की पारी खेल 31 गेंदों का सामना करते हार्दिक पांड्या आउट हुए। 200 दिनेश कार्तिक की तूफानी बल्लेबाजी बरकरार थी 255 रन पर। इस तरह से प्रिट्रियोस ने लेग साइड पर गेंद रही कार्तिक को और इन्होंने गेंद खेल ली, लेकिन पीछे खड़े वंदर दूसान ने शानदार कैच पकड़ ली डाइव लगाकर। जिस गलत एक तूफानी पारी खेल 55 रनों की तूफानी पारी खेली कार्तिक ने 27 गेंदों में और वो आउट हुए। मैच को फिनिश किया अक्षर ने 8 रन लगाकर 4 गेंदों का सामना करते हुए। जिस गलत 169 रन लगा दिए भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर। स्मिथ ने टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों साउथ अफ्रीका की शुरुआत तो खराब रही, जहां टेम्बो बुआमा आउट नहीं हुए लेकिन उनके हाथ पर चोट लग गई और वो रिटायर्ड हट वापस पवेलियन चले गए। दोस्तों उनके बाद 24 रन पर पहली विकेट गिरी क्विंटन डिकॉक के रूप में। हर्षल पटेल की इस गेंद पर टच कर दौड़ने के लिए निकल पड़े और हर्षल पटेल ने इस तरह से दूसरे रन पर रन आउट करा दिया। दोस्तों इस मुकाबले में क्विंटन डिकॉक जैसी बड़ी विकेट मात्र 14 रन पर मिली। 13 गेंदों का सामना करते डिकॉक आउट हुए। 30 नंबर के प्रिट्रियोस बल्लेबाज इस तरह से आवेश खान की गेंद पर एज दे बैठे। गेंद जा रही थी सितारे छप्पन के दस्तानों में और अंपायर ने आउट दे दिया, जिसके चलते इस मुकाबले प्रिट्रियोस मात्र 0 रन बनाकर अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। 200 उनके बाद इस तरह से आउट हुए एंड्री क्लासन। दोस्तों आप सभी को बता दें युजवेंद्र चहल की गेंद भी एलबीडब्ल्यू पाए गए रिव्यू लेने के बाद भी 8 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते एंड्री क्लासन आउट हुए। दोस्तों सबसे बड़ी विकेट मिली डेविड मिलर के रूप में, जो हर्षल पटेल की इस गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए और आते ही डेविड मिलर मात्र 9 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते हुए हर्षल पटेल की तूफानी गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। उनके बाद मानो विकेटों का पतन पूरी तरह से बरकरार रहा। 200 उनके बाद मार्को जेनसन जैसी बड़ी विकेट मिली। 200 जेनसन भी इस मुकाबले में इस तरह से बड़ा शॉट खेल आवेश खान की गेंद पर और ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार कैच पकड़ ली, जिस चलते इस मुकाबले में 12 रन बनाकर आउट होकर रह गए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद वंदर दूसान भी 20 रन बनाकर आवेश खान की गेंद पर आउट हो गए। उनके बाद केशव महाराज भी युजवेंद्र चहल की गेंद पर इस तरह से कैच देकर आउट होकर रह गए अय्यर को। 0 रन बनाकर केशव महाराज भी इस मुकाबले में आउट हुए। 200 उनके बाद विकेटों का पतंग जारी रहा। नॉर्थिया 1 लुंगी निगड़ी 4, जिसके चलते भारतीय टीम ने ऑल आउट कर दिया साउथ अफ्रीका की टीम को और भारतीय टीम ने तूफानी मुकाबला जीत लिया। जी हां 287 रनों पर पूरी तरह से ढह गई साउथ अफ्रीका की टीम और भारतीय टीम ने तूफानी तरह से मुकाबला जीत लिया है 82 रनों से। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम T20 जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जान। दोस्तों भारत के लिए तीसरा T20 मुकाबला बेहतरीन रहा। दोस्तों भारत की हार की लड़ी आखिरकार खत्म हो गई और भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 48 रनों से शानदार मुकाबला जीत लिया और अब ये T20 श्रृंखला 2-1 से आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों आप सभी को बता दें इसी मुकाबले में ऋषभ पंत ने एक समझदारी वाला काम किया, जिसे देख आप भी समझेंगे कि ऋषभ पंत कितने चालाक विकेट कीपर बनते जा रहे हैं। दोस्तों भुवनेश्वर कुमार की गेंद थी 18वें ओवर की 4th गेंद थी। दोस्तों इस गेंद को खेल नहीं पाए नॉर्थिया और बल्ले पर लगकर गेंद जा रही थी टच होकर सीधा ऋषभ पंत के हाथों में 2 बाउंस होकर। दोस्तों उतने में ही दूसरा रन लेने के लिए दौड़ पड़े थे नॉर्थिया दूसरे एंड से। दोस्तों आप सभी को बता दें इस एंगल से देखिए नॉर्थिया गेंद मिस कर गए और गेंद टप्पा होकर जा रही थी ऋषभ पंत के हाथों। ऋषभ पंत ने गेंद पकड़ कर फेंकी सीधा सामने खड़े गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के हाथों में और नॉर्थिया पहुंचने से पहले इस तरह से भुवनेश्वर कुमार ने दूसरे एंड से उन्हें रन आउट कर दिया। दोस्तों इतनी जल्दी एक कारनामा किया ऋषभ पंत ने, जिसे देख किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन दूसरे एंड से अंपायर ने नॉर्थिया को रन आउट करार दिया और नॉर्थिया मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे तबरेज शम्सी और इनकी भी हर्षल पटेल ने ओवर में विकेट ले ली, जिसके चलते भारतीय टीम ने ऑल आउट कर दिया साउथ अफ्रीका की टीम को और भारतीय टीम 48 रनों से तूफानी मुकाबला जीत गई। ये देखिए आपकी आंखों के सामने है समरी। पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 169 रन लगाए थे। ऐसे में टारगेट का पीछा करते मात्र 131 रन पर साउथ अफ्रीका की टीम ऑल आउट हो गई और 48 रनों से भारतीय टीम ने तूफानी मुकाबला जीत लिया। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ये T20 सीरीज जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जान। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में तीसरा T20 श्रृंखला का तीसरा T20 मुकाबला और T20 मुकाबले की सीरीज को भारतीय टीम ने 2-1 से आगे बढ़ा दिया है शानदार जीत के बाद। लेकिन इसी मुकाबले में एक ऐसा मंजर हम सभी को देखने को मिला, जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों आप सभी को बता दें आज भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में तीसरा T20 मुकाबला खेला गया था वाइजैक के मैदान पर। जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी भारतीय टीम की तरफ से शुरुआत ताबड़तोड़ मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन की तूफानी पारियों की बदौलत। दोस्तों आप सभी को बता दें जब ईशान किशन मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे तभी ये मामला हम सभी के सामने आया। दोस्तों जब शम्सी गेंदबाजी करने आए ईशान किशन के सामने और 8वें ओवर की 4th गेंद जैसे ही उन्होंने फेंकी तो इस गेंद को खेल नहीं पाए ईशान किशन और शम्सी कुछ बोल रहे थे ईशान किशन को, जिसे सुनकर ईशान किशन काफी ज्यादा भड़क उठे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं काफी गुस्से में ईशान किशन ने जवाब दिया तबरेज शम्सी को और इस चीज का जवाब सुनकर शम्सी कुछ भी नहीं बोले, लेकिन इसका जवाब ईशान किशन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दिया और अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों शम्सी की एक आवाज सुनकर इतना गुस्से में आ गए ईशान किशन, मानो उसके बाद तो उन्होंने अर्धशतक लेने तक दम ही नहीं लिया। दोस्तों आप सभी
को बता दें तूफानी बल्लेबाजी की ईशान किशन ने और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भारतीय टीम को एक सम्मानित जनरल टोटल तक भी पहुंचाया। 54 रनों की पारी खेली ईशान किशन ने 35 गेंदों में। दोस्तों आप सभी को बता दें 179 रन बना दिए थे भारतीय टीम ने। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका इतना टारगेट पूरा नहीं कर पाई और अंत में आकर भारतीय टीम 48 रनों से तूफानी मुकाबला जीत गई। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, गेंदबाजों ने उससे शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय टीम को शानदार जीत मिली। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ईशान किशन भारतीय टीम के ओपनर बन सकते हैं या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में बताना जरूर। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में तीसरा T20I मुकाबला और तीसरे T20I मुकाबले को 48 रनों से भारतीय टीम ने मुकाबला जीत लिया है और अभी भी भारतीय टीम जीवित है इस T20I श्रृंखला में, क्योंकि 5 मुकाबलों में से 2 मुकाबले साउथ अफ्रीका जीत चुकी है और 1 मुकाबला भारतीय टीम जीत चुकी है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत ने कप्तानी भी अच्छी की लेकिन उनकी विकेट कीपिंग से भारतीय टीम को सबसे बड़ी जीत मिली। दोस्तों इसका कारण हम आपको आगे बताते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, जब साउथ अफ्रीका 180 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी तब युजवेंद्र चहल के साथ मिलकर ऋषभ पंत ने कई कारनामे किए। दोस्तों सबसे पहले 7वें ओवर जैसे ऋषभ पंत के सामने वंदर दूसन आए तो इस तरह से वंदर दूसन के बल्ले का ऐच लगा और अपने पैर को उठाकर दस्तानों में फंसा ली ऋषभ पंत ने गेंद, जिसके चलते खतरनाक बल्लेबाज वंदर दूसन आउट हुए, वो भी सिर्फ 1 रन बनाकर। यहीं पर बड़ी विकेट मिली ऋषभ पंत को। दोस्तों उसके बाद भी एक और ओवर दिया युजवेंद्र चहल को ऋषभ पंत ने, जो कि 9वां ओवर था। 9वें ओवर की गेंद जैसे ही फेंकी चहल ने तो इस बार भी बल्ले का ऐच लगा, फिर से टांग उठाकर ऋषभ पंत ने एक और शानदार कैच पकड़ ली। दोस्तों 2 बार ऐसे ही करके ऋषभ पंत ने चहल की मदद लेकर अपने विकेट कीपिंग की स्किल से 2 बड़े विकेट निकाले और यहीं पर खतरनाक बल्लेबाज प्रिट्रियोस भी आउट हो गए, वो भी सिर्फ 20 रन बनाकर। चहल ने इस मुकाबले में 3 विकेट निकाले जिसमें से 2 कैच तो ऋषभ पंत ने ही पकड़ लिए। दोस्तों अपनी कप्तानी से और अपनी विकेट कीपिंग से दोनों से ही काफी ज्यादा बेहतरीन काम किया ऋषभ पंत ने, जिसके चलते साउथ अफ्रीका मात्र 131 रन पर ही ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम अल्टारनी ने तूफानी मुकाबला जीत गई। दोस्तों चहल की इस गेंद पर आउट होने के बाद प्रिट्रियोस भी काफी ज्यादा नाराज होते नजर आए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में ऋषभ पंत को कप्तान बनाना चाहिए भारतीय टीम का या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में शुरू हो चुका है तीसरा T20I इंटरनेशनल मुकाबला। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें, वाइजैक के मैदान पर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, एक और बार गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन सलामी बल्लेबाज बनकर और जिस शुरुआत की भारतीय टीम को इस सीरीज में दरकार थी वैसी शुरुआत दिलाई ऋतुराज गायकवाड़ ने। दोस्तों इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने पावर प्ले में तूफानी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का जवाब दिया। दोस्तों नॉर्थ इंडिया के 5वें ओवर में लगातार 5 चौके लगाए ऋतुराज गायकवाड़ ने। दोस्तों इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया, वो भी सिर्फ 30 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें, उनका साथ दे रहे थे ईशान किशन, दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी हो रही थी और 54 रनों की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी ईशान किशन और उनका साथ दे रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में। दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आतंक मचा कर रख दिया। तभी केशव महाराज की इस गेंद पर इस तरह से टच करने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ उन्हीं को इस तरह से सामने कैच दे बैठे और कैच एंड बोल्ड होकर रह गए, जिसके चलते गायकवाड़ 57 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उनके बाद और तूफानी बल्लेबाजी की ईशान किशन ने और इन्होंने भी बेहतरीन अपना अर्धशतक लगाया तूफानी बल्लेबाजी से। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने कारनामा कर दिया। दोस्तों उनका साथ देने आए ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर, लेकिन ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों शमसी की इस गेंद पर लेफ्ट साइड में शॉट खेलने के चक्कर में शॉट तो खेल बैठे, बल्ले का एज लेकर इस तरह से नॉर्थ के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते श्रेयस अय्यर 14 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद बड़ी विकेट गिरी ईशान किशन के रूप में। अगले ओवर में प्रिट्रियोस की इस गेंद पर सामने का शॉट खेल बैठे और सामने खड़े इस तरह से फील्डर ने कैच पकड़ ली, जिसके चलते 54 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते हुए किशन तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद यहां से पूरी तरह से बर्बाद हो गई भारतीय टीम। दोस्तों यहां पर ऋषभ